हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइब्स विद अवासी। दिस इज मी खिजर अवासी। तो आज का जो हमारा रिएक्शन वीडियो है वो और भी ज्यादा मजे का होने जा रहा है, क्योंकि न्यू पाकिस्तानी ड्रामे आ रहे हैं जिन पे हम ओएसटी पे रिएक्शन बना रहे हैं। अब जो हमारे पास जो आया है ओएसटी वो है दिले नादान। दिले नादान ड्रामा है, उसका ओएसटी जो है वो उस पर हम रिएक्ट करेंगे आज। उसमें है शानी अरशद, मीकाल जुल्फिकार और अमार खान। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, और जो मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम वो डिस्क्रिप्शन में हैं, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पेज पे सारे लिंक्स जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो देखते हैं कि कैसा सॉन्ग इन्होंने बनाया है। है यार, जो इन्होंने स्टार्ट लिया है वो बहुत ही मजे का स्टार्ट था, जो हारमोनियम से स्टार्ट हुआ है। हारमोनियम जो है वो मेरा फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, हारमोनियम जो है वन ऑफ माई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि वो बहुत ही मजे का इन्होंने उससे स्टार्ट लिया है। तो आगे सुनते हैं इसको। अच्छा, इनका जो अभी एकदम से म्यूजिक स्टार्ट हुआ है, पहले जो था नॉर्मल म्यूजिक चल रहा था, फिर अब जो ड्रम्स आ गए और उसमें इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट का यूज जो है, आपको पता है पाकिस्तानी जो है कोक स्टूडियो के जितने सॉन्ग होते हैं, जितने भी पाकिस्तानी ओएसटी आ रहे हैं, इनके जो सबसे मेन कमाल जो होता है सिंगर्स का तो कमाल होता ही होता है, लेकिन जो म्यूजिशियंस जो होते हैं उनका कमाल तो सबसे ज्यादा होता है यार। तो बहुत मजे का म्यूजिक है इसका, और साथ एकदम बीट आई है उसमें। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे करके सुनते हैं। लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं। अब आपने सुना होगा कि हारमोनियम जो बजाया है यार, हारमोनियम फिर एक अलग वाइब क्रिएट कर देता है बीच में। इन्होंने हारमोनियम और जो ड्रम्स वगैरह जो यूज हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट उनका तो मजा ही अलग है। सिंगर जो हैं वो उनकी भी आवाज काबिले तारीफ है यार। Oh,
का म्यूजिक है इसका। गाइस यहाँ पे जो है हमारा ये सॉन्ग जो है ये एंड हो जाता है। इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है, अगर आपने इसकी वीडियो देखनी है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और इसका जो म्यूजिक है, इसमें स्पेशली म्यूजिक बहुत ज्यादा मजे का है, इसका लिरिक्स भी बहुत मजे के हैं, लेकिन आई पर्सनली लव द म्यूजिक एज वेल। मुझे म्यूजिक ज्यादा मजे का लगा है। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा अपने सजेशन के, इसमें आपको म्यूजिक अच्छा लगा या लिरिक्स अच्छे लगे। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफिज।